बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, उसमें करीब 2 से 2.5 बड़े चम्मच दही डाला है। अंदाजन मैं ऑयल ले रही हूँ, ऑयल मैंने सफोला लिया है, और इसमें मैं स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डालने से वो जो मीठा नमकीन बैलेंस होता है ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है। सो अब ना इसे बिना पानी डाले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल भी है, दही भी है, उससे ये काफ़ी हद तक तो सही हो जाएगा। बस ऊपर से थोड़ा सा पानी मैंने डाला, और ये देखिए एकदम मज़ेदार सा आटा जो है मेरा विद इन सेकेंड्स रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मीनवाइल कढ़ाई में मैंने ये 1 कप सूजी ले ली है, और इसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से 4 कप का ये लिक्विड बनाना है। सो मैंने 3 कप पानी और 1 कप दूध लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 1 कप है सूजी। सो इसमें मैंने ले लिया है घी। घी देखिए इतना होना चाहिए कि थिक पेस्ट बन जाए, सूखा सूखा ना रहे, और ऊपर से आप अपने अंदाजे से जो है इसमें इलायची पाउडर डाल के इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर भून लीजिए। और ये हमारे दूध पानी के मिक्सचर में मैंने डाल दी है 1 कप चीनी, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा फूड कलर थोड़ा और डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राइट ऑरेंज चाहिए जैसे बाहर मार्केट में मिलता है। तो ये हाँ, ये देखिए ये बिल्कुल सही कलर आया है। अभी इसे हम कुछ मिनटों के लिए पकने देंगे। मीनवाइल हमारी जो सूजी है वो भून गई है। देखिए हमें इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस हल्का सा घी में भूनना है, और इसके बाद ये जो हमारा दूध और पानी का मिक्सचर है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा डाला है, उसको मैं पका रही हूँ, तो वो जैसे जैसे आप मिलाते हो ना, वैसे वैसे वो सूजी जो है वो हार्ड होती जाती है। तो नॉर्मल हलवे में भी हम यही करते हैं, बस इस वाले हलवे को हमें ज़्यादा मुलायम बनाना है, तो हम पानी बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब ये जो लिक्विड हमने बना के रखा है पानी और दूध का, ये हम बहुत ज़्यादा हम इसमें डालेंगे। सो ये देखिए, ये आपको शुरुआत में लगेगा कि ये क्या हो गया, लेकिन हैव पेशेंस, सब सही से आपका हलवा बन जाएगा। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए स्टर करती रहूँगी। विद इन मिनट्स जो है ये जब बॉयल होने लग जाता है ना, तो बस कुछ मिनटों की बात है, और ये आपका हलवा प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे एकदम सही से थिक होने लगा है। बस ये इतना मुलायम बनता है ना, इतना यमी बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, और अंदाजे से अगेन, और उसके बाद हम इसे अच्छे से स्टर कर देंगे, और फिर ढक के थोड़ी देर रख देंगे। घी से बेसिकली ऊपर से ये जो शाइन आती है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। तो हलवा तो हो गया है रेडी, ये देखिए मैंने इसे ढक दिया है। इसमें एक्चुअली आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से जो चाहे डाल सकते हो, वो ठेले पे तो चेरीज भी डालते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डालूंगी। सोच रही हूँ डालू कि नहीं डालू, क्योंकि नीचे से बच्चों वगैरह को ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो डालूंगी। मीनवाइल मैंने पराठा जो है वो बेल के रख दिया, मतलब रोटी बेल के रख दी है, और यहाँ पे तेल गर्म होने रख दिया है। तब तक जल्दी से बना लेती हूँ शरबत। पापड़ हो गए हैं फ्राई, और मेरे पास फिलहाल बचे हैं 20 मिनट, आई थिंक हो जाएगा, क्या कहते हैं आप, हो जाएगा। चलिए मेरा पराठा रेडी है। गड़बड़ी होगी, पराठा शायद कढ़ाई से बड़ा हो गया है। बिस्मिल्लाह, ओले हाँ, ये तो कढ़ाई से बड़ा हो गया है। अभी होगा कि नहीं होगा, चिपक जाएगा शायद, नहीं हो रहा है, 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 थोड़ा चिपक गया। नेक्स्ट वाला पराठा छोटा बनाऊंगी। देखिए यही होता है जब पहली बार चीजें ट्राई की जाए, है ना, पर बड़ा बढ़िया बन रहा है। अरे वाह वाह, ओह सॉरी सॉरी, वाह क्या बात है। बस अगर साइज को अवॉइड कर दिया जाए, अगर मैं छोटा बनाती तो वो शायद थोड़ा अच्छे से और फ्राई हो जाता, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर ब्राउन कवर भी आ रहा है, तेल भी परफेक्ट गर्म हुआ है, और वो जो खुशबू आती है ना पराठों की जो हमें बाहर मिलते हैं, खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है, क्रिस्पी है। हो गया, हो गया, बन गया, बन गया, टाइम पे बन गया, आई एम सो हैप्पी। सो ये सेकेंड वाला जो पराठा है, ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, तो मैं इसे बेलन से भी बेल रही हूँ, और फिर बाद में हाथ से फैला रही हूँ, तो उस हिसाब से परफेक्ट आ रहा है। सो ये देखिए, अच्छे से आप इसे स्प्रेड कर दीजिए। पहले मैंने शुरुआत में बेलन से गूंदा था, और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट हो गया है। सो
ये पराठा साइज में बिल्कुल सही बना है। बस मुझे आई थिंक नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना होगा, या आप लोग तो बनाते ही होंगे तो आप मुझे बताइएगा कि ये और पतला होना चाहिए बेलते वक्त या थिक होना चाहिए। बस उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। देखिए पूरियों का तो अंदाज़ हम सबको रहता है, पर ये मैदे का पराठा पहली बार बनाया है तो मैं बना रही हूँ अब खा के। आप आगे देखेंगे कि सबका फीडबैक क्या था, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा थिक रह गया, मुझे थोड़ा पतला करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। ये लो अम्मी, आज मैंने हलवा पराठा ट्राई किया है। वो देखने में इतना अच्छा लगता है। बस अच्छा। मुझे ऐसे लग रहा है पराठा पराठा कम पापड़ ज्यादा बन गया। यही अच्छा होगा, जो बाहर का होता है ना पूरा मिल जाता है, आता ही नहीं हाथ में, एकदम पतला बेलते हैं। ये तो कम से कम हाथ में तो आएगा, देखो बहुत अच्छा। चलो आप खा के बताना। आज आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हो। कितना अच्छा सूट पहना है, बहुत प्यारे लग रहे हो। है ना पापा, अच्छी लग रही है ना अम्मी, अच्छी लग रही है। अच्छा निकू ने बोला, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं नीचे से देख के गई थी ना जब आप तस्वीर पढ़ रहे थे, तब भी मैं सोचा था बड़े अच्छे लग रहे हो, तो अभी पूरा बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलूं मैं, क्या बात, आप सानू से कह देंगे बाहर से नहीं लाए। हाँ, और ये बहुत जल्दी बना। बोलो सही बात, अब कभी नहीं मंगा, अब कभी नहीं मंगा। चलो अच्छी बात है। तूने खाया? अरे हमारा टेस्ट एकदम आजकल पीछे कैसे रह गया। बिल्कुल सही बोलना ना भाभी, तो सब हाँ कुछ कम ज्यादा तो बताना, फिर अगली बार और बेटर करूंगी। मीठा मुझे जैसा चाहिए था। सही है, बहुत अच्छा बना। मीठा भी सही है या कम ज्यादा कुछ हुआ है? बिल्कुल सही है, अपन के साथ मीठा खाते हैं। हाँ। उसके हिसाब से बहुत अच्छा। चलो ठीक, कुछ नहीं। रिजा तुम पहले, रिजा को इतना पसंद है। अच्छा इसका फेवरेट है क्या? फ्रिज में रख दिया था छुपा के। ओ ये मैं कल खाऊंगी, इतना पसंद है उसको। सही है।